सर्वहारा पिछड़ा और दलितों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती को बड़े हर्षोल्लास से वातावरण में दमोह के वृद्धाश्रम में मनाया गया। वृद्धाश्रम में जननायक सेन समाज के पितृपुरुष और बिहार में दो दो बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती को हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। यहाँ पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, केक काटा और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने उनके जीवन परिचय के बारे में उपस्थित वृद्धों को तथा गणमान्य नागरिकों को बताया। यहाँ वक्ताओं ने अपने विचार रखे, वृद्धों का सम्मान किया। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं क्या कहा इस अवसर पर वक्ताओं ने तथा सेन समाज के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं संजय सेन ने क्या कहा। आइए सुनते हैं एलएनबी टीवी के माध्यम से। दलितों को सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिए संघर्ष करते हुए पूरा अपना जीवन व्यतीत किया कर दिया। नाई परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे और अपने मुख्यमंत्री दो दो बार रहते हुए भी उनके पास अपना खुद का घर नहीं था। ऐसे प्रसन्न पुरुष को आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनकी जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और लोगों को ये संदेश देने के लिए उपस्थित हुए हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति अपने पूरे जीवन की, एक पैसा भी राजनीति से नहीं कमाया, उसी प्रकार से आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज का राजनीतिक जीवन जो लोगों का है वो स्वच्छ रहे और लोग अपने घर ना भरें, कर्पूरी ठाकुर से प्रेरणा लेके आगे बढ़ें। समाचारों के लिए देखते रहिए एलएनबी टीवी, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज़। नमस्कार।